हे गाइस, मैं हूं पंकज। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो पार्ट में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2010 हम डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो पार्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, अपने मोबाइल को रजिस्टर करना है, फिर सर्च बॉक्स में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप करना है। आप इससे होगा क्या, आपको बहुत सारी फ्री पीडीएफ, बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज देते रहते हैं और जो इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन होते हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं। आगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज चलते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए नंबर पर कॉल करनी है। ओके, नेक्स्ट जो भी करेक्शन होगा हम पिंड कमेंट में आपको बता देंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, लिस्ट वन में डिजीजेज दी गई हैं, लिस्ट टू में कॉजेज दिए गए हैं कि उसके कारण क्या है, और ये डिजीजेज हम याद क्यों कर रहे हैं या इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी एक क्वेश्चन आया था 2012-2014 में कि मरासमस क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर एक डेफिनेशन थी प्रोटीन डेफिशिएंसी वाला, सॉरी प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है करके। ओके, अब देखिए है क्या, सूची एक में व्याधि और सूची दो में उसके कारण दिए गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है ए, यानी कि मरासमस एक प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन और कवेस्क्वर प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब देखिए, कभी स्पेसिफिक आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मरासमस क्या है। जनरली जो ये है किश्योरकर, ठीक है, आप प्रोनाउंस अपने बेसिस पर कर लेना, किश्योरकर आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन का कंजम्पशन कम हो जाए तो उसे भी यही कहते हैं। ठीक है, और मरासमस का जो प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन होता है, दीर्घकालीन उपवास जिसे बोला जाता है, तो उसके पीछे भी एक कारण यही है प्रोटीन डेफिशिएंसी का। ओके, तो जो फर्दर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे कि इनमें से कौन से ऐसी डिजीज है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से है, तो आपको क्या लिखना है, मरासमस। ओके, तो मरासमस प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, दीर्घकालीन उपवास, कवास्कर प्रोटीन डेफिशिएंसी, दोनों ही जनरली प्रोटीन डेफिशिएंसी के कंजम्पशन के लैक ऑफ कंजम्पशन के कारण होती हैं। टीबी बैक्टीरियल डिजीज है और हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, बाकी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लिस्ट एक और लिस्ट दो, यानी कि सूची एक सूची दो। सूची एक में प्राकृतिक रूप में प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व, एलिमेंट प्रेजेंट और नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस कौन कौन से हैं। ठीक है, आप सबको पता है डायमंड किससे एसोसिएटेड है, कार्बन से। मार्बल किससे एसोसिएटेड है, कैल्शियम से। सैंड किससे एसोसिएटेड है, सिलिकन से। SiO2 आपका फॉर्मूला पता होगा, रूबी एल्युमिनियम से। ठीक है, तो नो डाउट इट्स डी। ओके, द हाइपो सॉल्यूशन यूज इन फोटोग्राफी इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, फोटोग्राफी में प्रयुक्त तो होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलियन है, तो ये है क्या। आंसर हो जाएगा इसका ए, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का जो फॉर्मूला है वो होता है Na2S2O35H2O। ओके, अब इस पूरे उसको हाइपो कहते हैं और जनरली ये जो नेगेटिव फोटोग्राफी है उसको फिक्स करने में या उसमें यूज होता है। तो अब इसमें क्या होता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड को जो होता है उसको रिमूव कर देता है और नेगेटिव जो फोटोग्राफी होती है उसको फिक्स करता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह इफ़ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, एक ऑर्बिट कर रहा है स्पेसशिप, अगर वहाँ से हम सेब छोड़ देते हैं, जो एप्पल होता है उसको छोड़ देते हैं, तो इट विल आंसर हो जाएगा मूव अलॉन्ग विथ स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ऐसा क्यों, अब देखिए आप सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेम जो कि सेम स्पेसशिप की है उसी के साथ साथ वो भी मूव करेगा। आंसर हो जाएगा सी। द एटमोसफेयर एग्जर्ट इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आंसर है ए, आवर ब्लड एग्जर्ट ए प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमोसफियर, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। जनरली आप सबको इसके पीछे रीजन बता देता हूँ। जनरली एटमोसफियर क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रेशर एग्जर्ट करता है,
ठीक है, बट हमारा जो बॉडी होता है उसको इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर है उसको बैलेंस करते रहता है। बट जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं, जैसे किसी आप हाई डिस्टेंस में जाओगे, ऊंचाई जगह जाओगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले बंदे हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप क्या है, उतना ज़्यादा एडवाइस नहीं की जाती है कि आप एरोप्लेन में भी ट्रैवल करें, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा, कम होगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, आवर ब्लड एक्सर्टेड प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमोसफेयर, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वही जो एटमोसफेयर के प्रेशर को बैलेंस करता है। कंप्यूटर वायरस इज़ कंप्यूटर वायरस होता है एक, क्या होता है कंप्यूटर वायरस, बहुत सिंपल सा है। अभी के बेसिस पे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका डाटा डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो उसको कोई भी आर्टिफिशियल मतलब इंडिविजुअल ही बनाता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो एंटर करता है और मे बी वो जिस टाइप का वायरस होगा उसके बेसिस पे वो डिस्ट्रक्शन करेगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मिक्का यूज एज ए रॉ मटेरियल, निम्न में से किस उद्योग में उभकर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आंसर है इलेक्ट्रिकल, विद्युत। ठीक है, मिका जनरली ऐसा रॉ मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, आगे इंडिया की अगर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो इंडिया हैज़ फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ मिका इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट प्लेस में आता है इसके प्रोडक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूमिनस प्लांट इज ऑल्सो ए पेट्रो प्लांट, निम्नलिखित फलीदार पौधों से कौन पेट्रो पादप भी है। आंसर हो जाएगा पोंजम, क्या है करेज, क्या है करेज। पोंजम एक लेग्यूमिनस प्लांट होता है, इसे पेट्रो प्लांट भी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, पोंजमिया पिनाटा और पोंजमिया ऑयल। ठीक है, जो कि जनरली बायोडीजल का एक सोर्स है। ओके, नेक्स्ट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन इज, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक क्या है, इट इज बैक्टीरियम, इट इज बैक्टीरियम यानी कि जीवाणु। नेक्स्ट है इन कंट्रीज वी आर पॉलिश्ड राइस इज द मेन सीरियल इन द डाइट पीपल सफर फ्रॉम, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं। ठीक है, किससे पीड़ित होते हैं, बेरी बेरी से, किसे, बेरी बेरी से। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा करेक्टली प्रॉपर मैच नहीं है। आंसर है एन इनबिल्ट टाइम कीपिंग सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म, उसे बायोमास कहते हैं, ये गलत है। तो जनरली बायोमास क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है जितने भी लिविंग बींग हैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे बायोमास कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बायोमास यानी कि बायोलॉजिकल मास। ओके, अब जो टोटल बायोमास होता है पूरे अर्थ का वो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जिसे बायोस्फीयर भी बोला जाएगा। नेक्स्ट है मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल लीड्स टू फैटिग, आपको थकान कब होगी कि आपकी मांसपेशियों में कुछ इनमें से क्या एक्यूमुलेट हो जाता है। आंसर है लैक्टिक एसिड, आंसर है लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एबंडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड इन ए सर्टेन डेफिशिएंसी डिजीज, निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समूह में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है। आंसर है आयोडीन। साल्क वैक्सीन इज कनेक्टेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, साल्क टीका पोलियो से संबंधित है, किससे संबंधित है, पोलियो। ठीक है, अब पोलियो किससे होता है, एक वायरस से होता है, यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट भी करता है। ठीक है, तो जो साल्क टीका होता है वो पोलियो से एसोसिएटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज सिडेटिव, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। आंसर है पोटेशियम ब्रोमाइड, कौन सा होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब जो डिस्कवर्ड किया था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1952 में,
ठीक है। और ये जनरली इसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। एंडोस्कोप यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट स्टोमक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत का कार्य करता है, किस सिद्धांत पर करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स प्रकाश के सकल आंतरिक प्रवर्तन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन, इफ आइस कलेक्ट्स ऑन द फ्रीजर द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर इज अफेक्टेड एडवर्सली, ये सही है। और बर्फ एक दुर्बल चालक है, आइस इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी सही है। तो दोनों ही आंसर सही है, आंसर हो जाएगा ए, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आंसर ए, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये करेक्ट नहीं है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, एन एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज ट्रिप्सिन। वट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टेलीविजन, रिपीटेड क्वेश्चन है, इट्स इंफ्रारेड। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग होता है, इट्स अवरक्त। ओके, नेक्स्ट है पनिनी एंड पतंजलि आर द रियोन नेम्स इन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, अंडर विच डायनेस्टी डिड दे फ्लोरिस, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पनिनी और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय में वे फले फूले, संग, ठीक है, संगाज के उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द सिटी प्लान ऑफ एंशियंट सरस्वती इज इन द से, प्राचीन सरस्वती का नगर विन्यास किस आकृति का है, ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले जो कैपिटल है किशल की बुद्धा पीरियड में वो सरस्वती था, ठीक है, तो जो कैपिटल हुआ करती थी सरस्वती, और जनरली तो ये किस शेप में, इसका जो पूरा शेप था वो डिज़ाइन किया गया था वो था एरिसेंट्रिक, ये सेरिसेंट्रिक नहीं है, ये है एरिसेंट्रिक, ERESCENTRIC, अर्धचंद्रकार, ठीक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द ऋग्वेदास सजेस्ट द आर्यन कनेक्शन विथ अफगानिस्तान, इट्स कुभा और क्रामो। द एंट्री ऑफ विमेन एज भिक्षुणी इन टू बुद्ध संघ वाज अलाउड बाई गौतम बुद्ध एट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, ठीक है, वैशाली में, कहाँ दी गई थी, वैशाली में दी गई थी। ओके, और जो पहली विमेन थी जिसको एंट्री मिली थी संघ में वो थी प्रजापति गौतमी, द स्टेप मदर ऑफ बुद्धा, तो सबसे पहली जो मदर थी वो कौन थी, प्रजापति गौतमी, ये भी याद रखना है आपको। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ, बुद्धा का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, कनिष्क। जैन टेम्पल ऑफ आबू इज मेड ऑफ, आबू का जैन मंदिर किससे बना है, आबू का जैन मंदिर संगमरमर यानी कि मार्बल से बना है। द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र एडॉर्न द कोर्ट ऑफ, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, कुमारपाला, कुमारपाला, ठीक है, जो थे उनका मेन उनमें रेन कुमारपाला का ही था। अब जयसीमा सिद्धराज उनको मारना चाहते थे कुमारपाला को, ठीक है, तो मेन हम कहेंगे कुमारपाला जो थे मेन उसी समय रेन में कुमारपाला का ही रेन था। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज फेमस एज पृथ्वीराज चौहान, निम्नलिखित में कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी प्रसिद्ध थे, वो थे पृथ्वीराज तृतीय, कौन, पृथ्वी राज तृतीय, ठीक है, तो चौहान डायनेस्टी के मोस्ट फेमस किंग पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, ऑल्सो उन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहते थे। ओके, कीर्ति स्तंभ एट चित्तौर वॉज बिल्ट बाई, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है, यह हमें बताना है। आंसर है डी, डेली टॉम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खान ने खाना। चूज द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर बताना है, सही युग्मों का हमें चुनना है,
तो इसमें सही युग्म कौन सा होगा? यह है खजुराहो चंडेल्स, खजुराहो चंडेल्स। ठीक है, तो आंसर क्या है? खजुराहो चंडेल्स। ओके, नेक्स्ट है द थ्री एज सिस्टम स्टोन ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम कलेक्शन ऑफ कोपिंगन म्यूजियम वॉज कॉन्ड बाई। कोपिंगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काश्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, त्रियुगीय विभाजन किया था थॉम्पसन। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता वॉज। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारणा की वह कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड। यापनिया वॉज ए स्कूल ऑफ। यापनिया किसका एक संप्रदाय था? यापनिया एक किसका संप्रदाय था? ठीक है, जैनिज्म का। हु हैड कंपोज द गीता गोविंद। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? गीत गोविंद का रचयिता जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। सूची एक में स्मारक दिए गए हैं, सूची दो में उनके बिल्डर दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सी सूची जो है किससे जुड़ी हुई है। एक सब आपको पता होगा, जो अलाई दरवाज़ा है दिल्ली में, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। वो किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ओके, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये करेक्टली मैच्ड है। विच मेडिवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है, इक्ता जो सिस्टम था वो किसने किया था? इक्ता किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सही सम्मिलित नहीं है? आंसर है जहांगीर। बैटल ऑफ बल्ख। बैटल ऑफ बल्ख के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये शाहजहां के टाइम में हुआ था, 1646 में। 1646 में। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज प्लेड बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मुगल जो सम्राट थे वो वीणा बहुत अच्छी तरह बजाते थे। ठीक है, द ऑथर ऑफ बुक इंडिया डिवाइडेड वॉज। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया डिवाइडेड बुक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑथर दिए गए हैं सूची एक में, सूची दो में उनके कृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, कौन किससे एसोसिएटेड है? मैच करने में ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर है ए। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। तो ऑल इंडिया दयानंद सरस्वती ने ही जो है लॉन्च किया था शुद्धि मूवमेंट अगेंस्ट। किसके? शुद्धि मूवमेंट किसके अगेंस्ट था ये भी पूछा जा सकता है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट था। ठीक है, जनरली हो क्या रहा था उस समय, जो हिंदू धर्म के लोग थे वो उनको कुछ पैसे दिए जा रहे थे और कोई दूसरा लालच दिया जा रहा था और उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा था, तो उसी के उन्हीं के लिए था ये। ठीक है, विथ विच अपराइजिंग मंगल पांडे एसोसिएटेड। मंगल पांडे कहाँ के लिए विप्लव से जुड़े थे? ठीक है, बराकपुर या बैरकपुर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मंगल पांडे सॉरी वो एसोसिएटेड थे बराकपुर अपराइजिंग से, और जो स्टार्ट हुई थी हमारी 29 मार्च 1857 से बारकपुर कैंटोनमेंट एरिया से। ठीक है, बारकपुर कैंटोनमेंट एरिया। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गॉट ए फिलिप ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वाइस रॉय के समय में प्रोत्साहन मिला? लॉर्ड रिपन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंटर स्ट्राइक एज ए वेपन। ठीक है, ये हंगर है। ठीक है, ये हंगर स्ट्राइक होगी, भूख हड़ताल जिसे कहते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? वो था अहमदाबाद स्ट्राइक। पुट द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज योर आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। निम्न घटनाओं को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उसके बेसिस पर हमें चुनना है। आपको डायरेक्ट बता दूं, जिन्ना रैकिंग ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस 24 जून 1945 को, ये हुई थी 24 जून 1945 को। जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था वो है 24 मार्च 1946 को, 1946 को।
ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग ने लॉन्च किया था 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन, और इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। इसके बेसिस पर आप अब आंसर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर आप अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं क्या होगा। मैंने सभी की डेट बता दी है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं। वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन ए रेड वॉज मेड बाय कांग्रेस वॉलंटरी ऑन धरसन सॉल्ट डिपोट। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? इन यरावडा जेल। हु आउट ऑफ फॉलोइंग हैड द टोल डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विथ फॉरन क्लोथ्स। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी जी ने। सूची एक, सूची दो, कौन किससे एसोसिएटेड है? आंसर है इसका ए। फिर से सेम है, कुकी रिवॉल्ट, कुका रिवॉल्ट, पबना पीजेंट रिवॉल्ट, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ओके, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, एक एक पता भी हो तो एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे बिरसा मुंडा बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, और जो पबना पीजेंट रिवोल्ट है बंगाल से, इस टाइप से। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज अरुणा असफ अली एसोसिएटेड? अरुणा असफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट से। वही सूची एक, सूची दो, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? हमें ये बताना है करेक्टली मैच्ड नहीं है। के अजीज़ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। के अजीज़ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। जनरली द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो लिखी थी वो राफिक जकेरिया ने लिखी थी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वॉज रिटन बाई राफिक जकेरिया। ठीक है, तो इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, गिवन आर टू स्टेटमेंट, एसर्शन और रीजन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। द कांग्रेस बायकॉटेड द साइमन कमीशन। द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। बिल्कुल सही है, और कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया और साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ए। दोनों रीजन भी कारण भी एक्सप्लेन कर रहा है कथन का। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन एक होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ये हमारे सी आर दास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं कालानुक्रमांक का पता कीजिए। रीड द फॉलोइंग इवेंट कनेक्टेड विथ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। काल क्रम अनुसार जिसे बोला जाता है उसको पता करना है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। इसके बारे में बता देता हूँ, क्रिप्स मिशन आया था 1942 मार्च में। ठीक है, कैबिनेट मिशन मार्च 24 को आया था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942, और वेबल ऑफर 1945 को। वेबल ऑफर कब आया था? 1945 को। ठीक है, इसके बेसिस पे आप लगा सकते हैं यहाँ पर, उसके बेसिस पे मैंने आपको ये डेट बता दिया है। ऑप्शन यहाँ पर कुछ चेंज हैं तो आपको बता देता हूँ फिर से। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, आपको डेट याद रखनी है बस। 24 मार्च 1942 को कैबिनेट, क्विट इंडिया मूवमेंट आया अगस्त 1942 को। अगस्त 1942 याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन। वेबल जो ऑफर था 1945 में आया, तो मैंने ये बता दिया, आप उसके बेसिस पर अपना आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज ताराचंद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड सपोर्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स अपशॉट्स। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक। लिस्ट एक और लिस्ट दो दी गई हैं, सूची एक सूची दो, आर्टिकल दिए गए हैं, हमें बताना है किससे। ठीक है, कौन किससे एसोसिएटेड है? आंसर इसका डी। आंसर क्या है इसका? डी। आप सबको पता है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी देता है। आर्टिकल 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, और 368 जो है वो सुधार की बात करता है, संशोधन प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट है, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज वॉज मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? 1993। द फंक्शन ऑफ प्रोटम स्पीकर इज टू। प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य होता है
स्वेयर इन मेंबर सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, ठीक है। प्रोटम स्पीकर का काम क्या होता है कि जो नए नए इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको शपथ दिलाना होता है। ओके, नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश आर चार्ज अपॉन, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग का खर्चा वसूल जाता है। यूपीएससी का जो पूरा चार्ज है वो कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, वैसे ही यूपीपीएससी का चार्ज जो होता है कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ उत्तर प्रदेश से होगा। तो आर्टिकल 332 में ये मेंशन है, 322, ठीक है, 322 में। ऑप्शन कभी कभी बहुत ज़्यादा एलिमिनेट करने पड़ते हैं और बहुत बार क्या होता है यूपीपीसीएस उसको डिलीट भी करता है। द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड आफ्टर 1960, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। देखिए नागालैंड बना था 1961 में, सबके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बेसिस पर आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरियाणा जो होता 1966 में, ठीक है, मेघालय 1972 में, जो सिक्किम हुआ था 1975 में, ठीक है। इसके बेसिस पर आप अपना 63 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। द प्रोविजन फॉर कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैज रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र की सीमिति किया गया है, किसका स्कोप कम किया गया है, ठीक है, किसका स्कोप कम किया गया है यह हमें बताना है। आंसर है एडजॉर्नमेंट मोशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, यह है सर्टियोरी। वर्ड सेकुलरिज्म वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, जो सेकुलरिज्म वर्ड था प्रियम्बल में वो ऐड किया गया था 1976 में, कौन से अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बेसिस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, निम्नलिखित में से एक ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दैट इज एस्टिमेट कमेटी, कौन सी कमेटी है वो, एस्टिमेट कमेटी। तो इसमें क्या होता है, 30 मेंबर हैं लोकसभा के, एस्टिमेट कमेटी के सिर्फ लोकसभा के होते हैं। इन विच ऑफ द इंडियन प्रोविंसेज द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, साम्यवाद की हुई थी, केरल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। इट्स बी, द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया GDP इज ओनली 25, सिर्फ केवल क्या ये 25% है, ऐसा बोला जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर बात करूँ 2009-2010 में शेयर कुछ ज़्यादा 50% से भी अबव था, कुछ 57.2%। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द लार्जेस्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है, यह है कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। हु हैड सजेस्टेड एन इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था, कालदोर। इन द 11th फाइव ईयर प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर अकाउंट फॉर मैक्सिमम कॉम्बाइंड सेंट्रल स्टेट एंड यूटी एक्सपेंडिचर, 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित होता है, ये है सोशल सेक्टर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकेम एफेक्टिव इन, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है अधिनियम प्रभावी हुआ, कब से ये प्रभावी हुआ, 2006। द नेशनल रिन्यूअल फंड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्स ऑफ, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था। अब देखिए कभी भी ये नेशनल रिन्यूअल फंड जो हुआ था जनरली सोशल सिक्योरिटी टू अवॉइड द वर्कर फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यानी कि जो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ते रहती है तो जो भी सोशल इम्पैक्ट उन पर पड़ता है तो उसको उनकी सोशल सिक्योरिटी को पूरा डिपेंड करता है, उसके बेसिस पर यह आंसर है। तो आंसर है सोशल सिक्योरिटी। तो बहुत बार क्या होता है कि जो टेक्निकल एडवांसमेंट होती है उससे जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सोशल सामाजिक सुरक्षा हेतु है।
एन इंक्रीज इन सीआरआर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजल्ट इन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में अगर वृद्धि होती है तो लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी रिड्यूस हो जाती है। इफ़ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड टू प्राइमरी डेफिशिट इट इज़ इक्विवेलेंट टू, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फीसल डेफिशिट के। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई सिचुएटेड एट, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, ठीक है, कहाँ, मुंबई में, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच आर करेक्ट, निम्न कथन पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है, तो कौन कौन से जो हैं आंसर सही हैं वो हमें बताने हैं। आंसर है 2, 3, 4 सही हैं। द क्राइसिस लेड टू डिफॉल्ट इन होम लोन प्रीपेमेंट, इट लेड टू फेलियर ऑफ सम यूएस बैंक, सब प्राइम क्राइसिस कॉज क्रैश इन इंडियन स्टॉक। और सब प्राइम किसको बोला जाता था मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या हो रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, अमेरिका जो यूएसए है उसकी इकोनॉमी में ऐसा हो रहा था कि वो लोग जो बैंक थे वो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा होम लोन दे दे रहे थे, ठीक है, होम लोन दे रहे थे और उन बैंक को भी पता था, ताकि अगर वो घर बनाएंगे तो सिंपल सी बात है इकोनॉमी चलेगी, ठीक है, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री सेक्टर चलेगी। अब बहुत सारे जो बैंक थे उनको ये भी पता था कि ऐसे जो पर्सन है वो सबको दे दे रहे थे एक्चुअल में ताकि डेवलपमेंट हो, तो उनको ये भी पता था कि ये जो पर्सन हैं, सब प्राइम क्राइसिस के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो पर्सन हैं ये जो लोन दे रहे हैं हम वो चुका नहीं पाएंगे, तो उन्होंने उनका नाम सब प्राइम लिख बोलते थे वो लोग, उसको क्या बोला करते थे, उन लोगों को सब प्राइम। तो सब प्राइम क्राइसिस यही है कि वो बहुत सारे होम लोन देने शुरू हो गए थे, तो इस तरह से पूरा एक कंट्री की इकोनॉमी किसी दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को हर्ट करने लगी थी, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिफर्स टू, भारतीय रिजर्व बैंक की ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है, इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट मैनेज्ड बाय, जो मिड डे मील है वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी करती है। तो इंडिया के जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें मिड डे मील को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, दिया जा रहा है, इससे क्या हुआ है, मिड डे मील अगर देंगे तो जो पेरेंट्स हैं रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्र के वो बच्चों की अपनी प्रेजेंस से बढ़ाएंगे ताकि उनको वहाँ खाना मिलता है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन उन बच्चों का बढ़ता है, ठीक है। तो वो एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है एचआरडी के, निशंक जी। नेक्स्ट है कथन और रीज़न दिया गया है उसका हमें बताना है कौन सा सही है, स्पेस बेस्ड सोलर पावर यानी कि SBSP, इट इज सजेस्टेड दैट बी ए मेड ए नेशन गोल, अंतरिक्ष आधारित ऊर्जा को ऐसा सोचा जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है, नेशन गोल बनाना चाहिए। रीजन है सप्लाई ऑफ SBSP 90% अनइंटरप्टेड थ्रू आउट द ईयर बिसाइड द इनॉर्मिटी ऑफ एनर्जी अवेबिलिटी, बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और ऑफ दीज स्टेटमेंट नीली इन कथनों में कौन कौन से सही हैं, ठीक है, आप सबको बता दूं, इसमें ब्लू लास्ट में क्या लिखा रखा है, नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है, ब्लू रेवोल्यूशन इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड। स्टेटमेंट जो चौथा है वो फॉल्स है, क्योंकि बिकॉज येलो एंड ब्लू रेवोल्यूशन आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड एंड ब्लू रेवोल्यूशन इज कनेक्टेड विद द फिशरी, जो ब्लू है वो मछली से है और येलो रेवोल्यूशन है मस्टर्ड से, तो चौथे ऑप्शन को हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है, ऑयल सीड्स। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज रिकॉर्डेड इन, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाइस्ट रूरल लिटरेसी रेट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है, वो है गोवा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो जैव विविधता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है उसके डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट। एज पर सेंसस 2001 द क्लास वन सिटीज ऑफ इंडिया क्लेम ए शेयर ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ, कितना
करती हैं 65.20%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है 65.20%। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। टुडे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन डाइऑक्साइड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन और रीजन है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होते जा रहा है। बिल्कुल सही है, एसर्शन और रीजन बिल्कुल ही दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? विच मेगा सिटी ऑफ इंडिया जनरेट द लार्जेस्ट सॉलिड वेस्ट पर कैपिटा एनुअली? इट्स दिल्ली। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सुइल रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना जो है वो स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड अंडर NLCP? निम्नलिखित झीलों में किसको अभी हाल में ही राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था? वो है सांभर। कौन सी है? सांभर। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? वेयर इज द वाइल्ड एस सेंचुरी? वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। ओके ओके, इससे पहले एक और क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द, ये सांभर नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स हैज बिन रिसेंटली इंक्लूडेड अंडर, तो सांभर नहीं है, इट्स भीमताल। तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में इसका जिक्र है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे कवर नहीं किया गया है। रिसेंटली भीमताल, जो नैनीताल की बहुत सारी झीलें हैं उसको नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में शामिल किया है भीमताल। आप इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है झूमिंग इज़ प्रैक्टिस्ड बाई। झूमिंग कहाँ जो है प्रैक्टिस की जाती है? झूमिंग कल्टीवेशन खांसी। कहाँ? खांसी में। ट्राई बाय। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू ए रिप्ट वैली? इनमें से कौन सी नदी जो है रिप्ट वैली से होकर बहती है? तो है नर्मदा। इफ द सन, ओके, ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए अलग जो पार्ट है हम बनाने वाले हैं। जैसे हमने UPSC का CSET का भी पार्ट बनाया है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में देख सकते हैं। UPPCS का यानी कि UPSC का जो सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके लिए अलग से बने हुए हैं। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में या डायरेक्टली आप लिखेंगे UPSC हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टॉप में आएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को? निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? आंसर है सिम्पलीपाल। द यूनेस्को हैज़ गिवन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, किस किस को प्रदान की गई है? ठीक है, तो एक तो नीलगिरी को की गई है। ठीक है, किसको की गई है? नीलगिरी को। तो आंसर है नीलगिरी और एक नंदा देवी बायोस्फीयर को। एसर्शन, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। और रीजन क्या दिया गया है कि उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दारा एवं कुपोषण है। बिल्कुल सही रीजन, कारण कथन को भी एक्सप्लेन करते हैं। मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ऑफ, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, वह कौन सा है? जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। तो जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तो इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन भी है। ठीक है, और कुछ क्वांटिटी अमोनिया भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर सॉल्ट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन? जो कृत्रिम वर्षा अगर बनानी हो तो इसमें कौन कौन यूज होते हैं? आंसर क्या होगा इसका? सिल्वर आयोडाइड। विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोला बोरेलिस? उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश के वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? थर्मोस्फियर। 90 डिग्री ई रिज लाइजिन, 90 डिग्री पू कटक रिज अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर लाई करती है? इंडियन ओशियन में। कहाँ लाई करती है? इंडियन ओशियन में। ओके, विच ऑफ द फॉरिन कंट्री आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर? इनमें से कौन सी जो कंट्रीज हैं वो कोलंबिया और केनिया जो है वो लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज इज डिवाइडेड इंटू थ्री कंट्रीज, निम्नलिखित में पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीन देशों में विभाजित है? इट्स बोर्नियो. द रूहर बेसिन इज फेमस फॉर इंडस्ट्रियल रेन ऑफ रीजन ऑफ रूहर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है किसके लिए है? रूहर बेसिन जर्मनी. कहाँ का है? जर्मनी का है. सूची एक और सूची दो ये दिया गया है, मैच करना है. ठीक है, मैच करना है कौन किससे एसोसिएटेड है. आंसर है इसका बी. ठीक है, विच सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन सॉइल मॉइस्चर. किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है, वो मॉइस्चर को कैप्चर करी रखती है. तो ब्लैक सॉइल है. ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, इसका खेती अभिशिष्ट होगी. ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो कौन सा ज़्यादा बनेगा? चाय. टी. लिस्ट वन लिस्ट टू मैच करना है कौन सा सही है. आंसर हो जाएगा इसका भी. मैच करने में हम ऐसे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. द रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट विच वॉज टेबल्ड इन पार्लियामेंट इन दिसंबर 2009 रिलेट्स टू. जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन था वो इनमें से किसके लिए जुड़ा हुआ है? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए. द ऑथर ऑफ द बुक विच इज रिसेंटली बिकेम द रूट कॉज ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट ऑफ फिल्म थ्री इडियट. जो ऑथर हैं उस बुक के कौन हैं? चेतन भगत. सूखा स्कैम केस वॉज रिसेंटली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2010 मच इन द न्यूज़ विथ विच स्टेट इज इट कंसर्न. सूखना घोटाला हाल ही में 2010 की पहली तिमाही बहुचर्चित मामला रहा, यह किस राज्य से संबंधित है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल. द एंग्लो अमेरिकन कल्चर रैम्स डज नॉट इंक्लूड. एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता. किसको नहीं किया जाता? आंसर है थ्री एंड फोर, मैक्सिको और क्यूबा को. हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL? BSNL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण. बाद में चेंज होते रहते हैं. ठीक है, ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है. विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सेटेलाइट डेडिकेटेड टू मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इन 2009? किस देश ने विश्व का प्रथम उपग्रह ग्रीन हाउस गैस इमिशन को अनुसरण करने हेतु वर्ष 2009 में लॉन्च किया था? यह है जापान. हाउ मेनी सीट्स BSP वॉन इन इलेक्शन यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल हेल्ड इन जनवरी? जनवरी 2010 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बसपा की कितनी सीटें जीती? ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते जनरली पॉलिटिकल. 34. प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ट्रैवल एंड लेजर इन इट्स सर्वे 2009 एज द बेस्ट सिटी फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू इन द वर्ल्ड इज. ट्रैवल एवं लेजर ने सर्वे किया और उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में बेस्ट सिटी जो है टूरिज्म के लिए वह कौन सी होगी? वह है उदयपुर. ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ये पूरा होगा ठीक है यहाँ पर से यहाँ तक. मनमोहन सिंह विजिट टू रशिया. प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिट करते हैं रशिया इन दिसंबर 2009. इंडिया एंड रशिया साइन एन एग्रीमेंट मेनली रिलेटिंग टू. तो ऐसे भी इंटरनेशनल रिलेशन और बायोलेटरल मीटिंग जो होती हैं, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी भूटान गए नरेंद्र मोदी जी, तो उनने क्या क्या किया, कौन से एग्रीमेंट, ऐसा पूछा जा सकता है. तो आंसर है सिविल एंड न्यूक्लियर कॉपरेशन. प्रोजेक्ट एरो इज कंसर्न विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोजेक्ट एरो संबंध निम्नलिखित में किसके आधुनिकरण की बात करता है? पोस्ट ऑफिसेस की. हाउ मेनी नेशंस वर मेंबर ऑफ बेसिक ब्लॉक एट दिसंबर 2009 कोपेंगन मीट? दिसंबर 2009 की कोपेंगन बैठक में बेसिक ब्लॉक में कितने राष्ट्र सदस्य थे? चार. कल्पसर प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्वीट वाटर इज लोकेटेड इन. मीठे पानी की कल्पसार परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? ऐसा जो ये परियोजना है मीठे पानी वाली वो कहाँ पर है? वो है गुजरात में. वो कहाँ है? गुजरात में. नेक्स्ट है इन 1930. ओके, ये हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, रीजनिंग के लिए अलग से ये इस पर हम बात करेंगे. ओके, ये भी वही है, ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही. फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 विल बी हेल्ड इन. 2010 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने जा रहा है? साउथ अफ्रीका. सुरेश कलमांडी हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एशियाटिक एथलेटिक एसोसिएशन ऑन नवंबर 9th 2009 फॉर द कौन से टर्म के लिए? ठीक है, ये हैं थर्ड टर्म. कॉमनवेल्थ गेम्स आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली. कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में होने वाले हैं 2010 में. विच लोकेशन हैज़ बीन चूजन फॉर नेक्स्ट कॉमनवेल्थ 2014? जो 2014 में होंगे, यानी कि 2014 में जो
और समय के बेसिस में जो होंगे, बट अभी के बेसिस पर जैसे 2019 चल रहा था, 2014 कहाँ हुए होंगे ऐसा पूछा जा रहा था। इट्स स्कॉटलैंड। द मास्कॉट ऑफ 19th कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन द 2010 इन न्यू दिल्ली। मास्कॉट क्या रहा? मास्कॉट वो होता है जनरली शेरा, ठीक है, तो जिसको एक तरह से शुभ माना जाता है कि हाँ ये फॉर्चून लाएगा। द 2016 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड एट, 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियो डियो जेनेरियो। द मैन ऑफ द सीरीज इन द ट्रायंगुलर सीरीज ऑफ द आइडिया कप 2010 कंक्लूडेड ऑन द 13th जनवरी 2010 इज मैन ऑफ द सीरीज आइडिया कप किसको मिला? ठीक है, आंसर है कुमार संगकारा। द इंडियन सिटीजन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द ईयर 2009। अभी रविश कुमार जी को मिला है जर्नलिज्म के बेसिस पे। जिस भारतीय नागरिकों को वर्ष 2009 से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह है दीप जोशी। एट द 56th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2008 बेस्ट फीचर फिल्म अवार्डेड वॉज बैक्ड बाई बेस्ट फीचर फिल्म अंतहीन को मिला। हु हैज़ द राइटर द बुक रिटन द बुक द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? मेघानंद देसाई। लिस्ट वन, सूची एक में नेम ऑफ फिल्म, पिक्चर का नाम, और लिस्ट टू में राइटिंग इंस्पायरिंग द फिल्म। थ्री इडियट्स, स्लमडॉग मिलियनेयर, जुनून और माई फेयर लेडी। आंसर है डी। ICC अनाउंस्ड ए लिस्ट ऑफ 55 क्रिकेट प्लेयर्स इन 2009 टू बी इंक्लूडेड इन इट्स इनॉगरल हॉल ऑफ द फेम लिस्ट। तो ICC ने लिस्ट निकाली हॉल ऑफ फेम लिस्ट के लिए। तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग क्रिकेटर हु वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। किसको इनमें से नहीं लिया गया? सचिन तेंदुलकर। किसान बही योजना वॉज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। इन उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। इन यूपी द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क वॉज एस्टेब्लिश डेट। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड द न्यू ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश एज शेड्यूल्ड ट्राइब। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? 2003। इन उत्तर प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातियों जनसंख्या वाला जनपद है। तो उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कौन सा है? इट्स खेरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? चेती रोहिलखंड, ये सही सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखी नगरों में उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर है डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। कौन सा है? डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा? इट्स मोरिया। इट्स मोरिया। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड ड्यूरिंग 2009 और 10। जो विकलांगों होते हैं उनके लिए विश्वविद्यालय की बात की गई। कौन सा था, कौन सा ऐसा राज्य था? उत्तर प्रदेश। धूरिया इज ए फोक डांस ऑफ, जो धूरिया है वो लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। पॉपुलेशन ऑफ यूपी एक्सीड दैट ऑफ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है कौन कौन से जो देशों से? ठीक है, वो है वन यानी कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जैसा कि ये जो पेपर था 2010 है तो यहाँ पर से लिया गया होगा 2001 से, ठीक है, 2001 का सेंसस लिया गया होगा उसके बेसिस पे। तो आंसर कितना हो जाएगा? जो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इन उत्तर प्रदेश रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इज एट इट्स कानपुर। लास्ट क्वेश्चन, सूची एक सूची दो, और करेक्ट आंसर है इसका डी। मैच करने में आप कर सकते हैं। ओके, पूरे 150 हम डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट आएगा 2009 का पेपर। ओके, धन्यवाद।